या देखो ट्रिग्नोमेट्री का अगर लिटरल आप मतलब लोगे ना, पता नहीं ग्रीक वर्ड है, अगर आप इसको तोड़ो, ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब पता नहीं एंगल शायद, एंगल्स। मैट्रिक, हाँ मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट, तो कहने का मतलब सिंपल उसको छोड़ते हैं हम। असल मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने करना क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल को मेजर करना। आप इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल से रिलेटेड ही पढ़ते रहोगे, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है, लेकिन राइट ट्राइंगल के अलावा भी आप ट्राइंगल पढ़ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, ट्राइंगल को मेजर करना होता है। ट्राइंगल को मेजर करने का मतलब क्या है भाई, ट्राइंगल के अंदर छह चीजें होती हैं, तीन एंगल और तीन साइड लेंथ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बेसिक ट्राइंगल आप लोगों के सामने बनाऊं, इसकी हम नेमिंग नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसकी तीन साइड होती हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। नेमिंग जो है वो आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, इस तरह आप जा रहे होते हो। ये डायरेक्शन जो है ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये डायरेक्शन जो है आपकी क्लॉकवाइज है। क्लॉक इस तरह जा रही होती है, और एंटी क्लॉक क्या है कि आप उसके रिवर्स ऑर्डर में जाओ। तो नेमिंग जो है वो आप इस तरह कर रहे होते हो, ए बी सी। क्लॉकवाइज नेमिंग क्या होगी, आप इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है। तो नेमिंग हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते, तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो वर्टेक्स ए है ना, इसके सामने वाली जो साइड है ये, इसकी लेंथ को आप स्मॉल ए से लिखते हो। स्मॉल ए का मतलब क्या है, जो साइड बी सी है ना, इसकी लेंथ, इसको आप स्मॉल ए कहते हो। इसी तरह वर्टेक्स बी के सामने जो लेंथ है ए सी, इसकी लेंथ को आप क्या बोलते हो, स्मॉल बी। और वर्टेक्स सी के सामने जो साइड है, इसकी लेंथ को आप क्या बोलते हो, स्मॉल सी। तो अभी तक आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, ए बी सी, लेंथ है ट्राइंगल की तीनों साइड की, ये आपको निकालनी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और बाकी तीन चीजें क्या है, एंगल। तो एक एंगल यहाँ पे है जिसको आप अल्फा कह देते हो, जो ए पे बन रहा होता है, जो बी पे बन रहा होता है इसको आप बीटा कह देते हो, और जो सी पे बन रहा होता है इसको आप गैमा कह देते हो। तो तीन एंगल है यहाँ पे, अल्फा बीटा गैमा, और तीन साइड लेंथ है यहाँ पे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो छह चीजें हैं, इन्हीं को आप मेजर करते हो, कभी इनके रेशियो निकाल रहे होते हो, कभी दो साइड गिवन है तीसरी साइड निकाल रहे होते हो, बस इसी में आप फंसे हुए हो। ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर आप ये हरकतें कर रहे होते हो। तो बेसिक मैंने आप लोगों को बातें बता दी। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेंथ के बारे में तो आप लोगों को पता है, लेंथ बताना कोई जरूरी नहीं है, लेंथ का यूनिट आपको पता है, मीटर सेंटीमीटर सब आपको चीजें पता है। तो दूसरी चीज यहाँ पे कि एंगल, एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जरा एंगल के बारे में बेसिक बातें पढ़ते हैं। दो मशहूर यूनिट है एंगल के, किसी को याद है एंगल के कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आप यूज करते हो? रेडियन और थीटा। रेडियन और थीटा। तो और स्टूडेंट, डिग्री और रेडियन। डिग्री डिग्री और रेडियन, ठीक है। एक तीसरा भी होता है जिसको आप ग्रेडियन कहते हो, लेकिन उसमें हम जाते नहीं है, ज्यादातर आप डिग्री या हाई लेवल पे आप रेडियन यूज करते हो। वो आपको वजह समझ आएगी कि रेडियन हम क्यों यूज करते हैं हाई लेवल पे, लेकिन बहरहाल आप रेडियन और डिग्री दो आप यूज कर रहे होते हो। बेसिक लेवल पे हम डिग्री बताते हैं, डिग्री समझना इमेजिन करना आसान होता है, रेडियन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी लेवल्स पे आप रेडियन ही, सेकेंड ईयर में आप रेडियन में डील कर रहे होंगे, डिग्री वहां पे नहीं आ रही। अच्छा अभी होते क्या है, देखो एंगल क्या होता है, अगर आपके पास दो लाइन है ना, अभी इनके दरमियान जीरो एंगल है। सबसे पहली बात, एंगल के लिए ना लाइन का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। इंटरसेक्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइन इन दो पॉइंट पे, ये इनका फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बनाऊं, अगर ये दो लाइन है तो इनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करी तो एंगल बन ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट तो आपस में करेंगी, मिलेंगी आपस में, ठीक है। अब एंगल क्या होता है भाई, जितना आप इनको रोटेट करोगे, जैसे कंसीडर कर लो, ये जो ब्लू है ना, इसको आप इनिशियल कंसीडर कर लो, ये इनिशियल साइड है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा, और दूसरी साइड जो है इसको मैं छेड़ रहा हूँ। तो जितनी मैं इसके अंदर रोटेशन लाऊंगा, जितना ये घूम रहा है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इसके अंदर आ रही है, ये होता है एंगल। जितनी रोटेशन मैं इसके अंदर ज्यादा दूंगा उतना एंगल ज्यादा होगा, जितनी रोटेशन कम है इसके अंदर उतना एंगल आपका कम होगा। तो कहने का मतलब एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, दो लाइन है उनके दरमियान कितना वो रोटेट हो रही है, एंगल है, ठीक है। एक को आप क्या बोलते हो, कंसीडर कर लो, हम पहली वाली साइड को मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह पे रख रहे हैं, तो उसको आप कहते हो इनिशियल साइड, या अपनी जगह पे है। और दूसरी होती है टर्मिनल साइड, जिसपे एंगल आपका खत्म होता है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, खत्म कहां पे होगा, इस लाइन के खत्म, इस लाइन से ऊपर तो नहीं जाएगा ना एंगल, एंगल तो दो लाइन के दरमियान होता है। तो स्टार्ट हुआ है इनिशियल साइड से, पहली बार जहां से एंगल आपका स्टार्ट हुआ है, और एंड कहां पे होगा, इस साइड के ऊपर, तो इसको आप क्या बोलोगे, टर्मिनल साइड। ये जो अंग्रेजी का वर्ड है टर्मिनल, इसका मतलब होता है खत्म होना, टर्मिनेट खत्म होना। तो टर्मिनल साइड का मतलब जहां पे एंगल आपका खत्म होगा।
एंगल बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। अगर मैं इसको इस तरह बनाता, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने इसको रोटेशन दी है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप देखो इस डायरेक्शन में मैं रोटेशन दे रहा हूँ, अगर कंसिडर कर लो ब्लैक वाले इनिशियल है और मैं ब्लू को रोटेशन दे रहा हूँ, तो अगर आप देखो रोटेशन में नीचे की तरफ दे रहा हूँ, ये क्लॉक की डायरेक्शन होती है ये वाली, इस तरीके से। इस तरीके से जो आप रोटेट कर रहे हो, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पूरी रोटेशन है आपकी, ये क्लॉक की डायरेक्शन है, जो मैं अभी घुमा रहा हूँ ये क्लॉक है आपकी, इस तरह चलती है। जबकि एंटी क्लॉक में ये डायरेक्शन है, इस तरीके से यूं जा रहे होते हैं, ये आपके एंटी क्लॉक वाइज होती है। तो अगर आपका एंगल, और एंगल को नॉर्मली आप थीटा कह रहे होते हो, ट्राइंगल के एंगल्स को आप अल्फा बीटा गामा कहते हो, अगर ए की एंगल है उसको नॉर्मली हम थीटा कह रहे होते हैं, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। तो यहाँ पे थीटा जो है ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि आपका एंगल की डायरेक्शन क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये स्टैंडर्ड रखा गया है कि जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको आपने पॉजिटिव लेना है। अभी किसने स्टैंडर्ड रखा है भाई? स्टैंडर्ड रखा है, अब पूरी दुनिया की बुक्स उसी को फॉलो कर रही है। अब आप क्लॉक वाइज को पॉजिटिव दे लोगे तो फिर आप अकेले हो गए, दुनिया कुछ और कर रही है, आप कुछ और कर रहे हो। तो अपने बुक को फॉलो करना है, जो एंटी क्लॉक वाइज है उसको पॉजिटिव देना है, और जो क्लॉक वाइज है, जैसे क्लॉक वाइज है, इसको आपने क्या कर लेना है? नेगेटिव। ये वो बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कितने लोगों को नहीं पता होंगे, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो एंगल की डायरेक्शन आपने देखी। अब एंगल को मेजर कैसे करना है भाई? दुनिया में जैसे हाइट है, हाइट को मेजर करने के यूनिट होंगे ना भाई, इंचेस में करना है, फिट में करना है, किलोमीटर में करना है, अगर आप बड़े हो ज्यादा, यूनिट होता है ना, यूनिट देखते हैं। तो एंगल के दो यूनिट है जो आपने डिस्कस करना है। सबसे पहले है डिग्री। कोई बंदा डिग्री के बारे में जानता है? मतलब वो वाली डिग्री नहीं जो आप लोग जिसके लिए पीछे पड़े हुए हो, वो डिग्री नहीं जो एंगल वाली डिग्री है, किसी को इसका डेफिनेशन या इसके साइज के बारे में बताओ, डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री का क्या साइज है, कोई आइडिया है किसी को? या सब भूले बैठे हैं? मतलब मैं ये उम्मीद कर सकता था सर, ट्रायंगल को अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ट्रायंगल कहाँ से आ गया? सर्किल। और सर सॉरी सर्किल सर, सर्किल को क्या करें? 360 पार्ट में डिवाइड करें और एक पार्ट जो है वो डिग्री कहलाएगा। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ इसको, क्या मतलब बन रहा है इसका। कंसिडर कर लो आपके पास एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है जो कि साइड में हुआ हुआ है, यहाँ पे हुआ आप तकरीबन सही है भाई। होता ये है कि आपने जो सर्किल है ना, ये सर्किल का पूरा सर्कमफेरेंस कहलाता है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये पूरा सर्किल की बाउंड्री, ये सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस ये कितना होता है? ये 2 पाई आर होता है। सर्कमफेरेंस निकालने का तरीका होता है 2 पाई आर, मेरा आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, और पाए तो आपको पता क्या होता है। अच्छा, जो पूरा सर्कमफेरेंस है ना, इसको आपने डिवाइड करना है, और इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 360 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने। अब सवाल ये आता है कि 360 में क्यों करना है, 350 में क्यों नहीं करना? ये जो ट्रिग्नोमेट्री का डिग्री आप सिंबल देख रहे हो ना, ये जो यूज करते थे ये बेबलोनियंस थे। बेबलोनियंस जो सिस्टम यूज करते थे वो बेस 60 सिस्टम होता था। एक मिनट की बात है, समझ आ जाएगी आपको। आप जो यूज करते हो ना, वो बेस 10 का सिस्टम है, जिसको आप डेसिमल सिस्टम कहते हो। बेस का मतलब क्या होता है भाई? आपके जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, तो सर बता सकते हैं कितने डिजिट्स होते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ मैथ में ये जो आपका, जो आप नंबरिंग जो पूरा नजर आ रहा होता है, डिजिट्स कितने डिजिट्स हैं जो आप यूज कर रहे होते हो, 1 2 3 इस तरह करके, कितने डिजिट्स हैं? 10 है, शुक्र अल्लाह। लास्ट लाइन कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है। इसके अलावा जो आपको नजर आ रहे हैं वो इन्हीं में से बने हुए हैं, 0 1 से बना हुआ है, कोई 3 4 से बना हुआ है, असल में ये 10 डिजिट है। तो दैट्स व्हाई बेस 10 सिस्टम कहलाता है, डेसिमल सिस्टम जो आप यूज कर रहे होते हो। जबकि ये जो सिस्टम है ना, जो जब बेबलोनियंस का, ये बेस 60 होता है, इसके अंदर 60 डिजिट होते हैं। तो दैट्स व्हाई ये इनको 60 बड़ा पसंद है, 60 फिर 60 के मल्टीपल 120, 180, इसी तरह 360 जो है ना, ये जो 360 में आप डिवाइड करो, ये उन्हीं ने निकाला है नंबर, कि उनको ये 60 के मल्टीपल बड़े पसंद हुआ करते थे। दैट्स व्हाई डिग्री की जो डेफिनेशन है ये वहीं से आई है। तभी मैंने कहा था डिग्री हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है, ये उनका सिस्टम है। हम कौन सा यूज करेंगे? हम रेडियन यूज करेंगे, क्योंकि रेडियन हमारा सिस्टम होगा। ये छोटी चीज के अंदर कॉन्सेप्ट है। बहरहाल दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दे दिए। डेफिनेशन ये कि सर्कल के बाउंड्री को ना आपने 360 हिस्सों में तकसीम करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक हिस्सा है, ये छोटा सा जो है ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक हिस्सा है। मैं एक और लाइन लगाता हूँ, अब देखो ये दूसरा हिस्सा आ गया,
ये तीसरा हिस्सा आ गया, ये चौथा हिस्सा आ गया। तो कहने का मतलब आपने सर्किल को 360 इक्वल हिस्सों में तकसीम करना है। देखने में कोई आपको बड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इक्वल हिस्सों में आपने तकसीम करना है। जब आप पूरी बाउंड्री को 360 हिस्सों में तकसीम कर दो, उसके बाद कोई भी एक हिस्सा पिक करो। 360 हिस्सों में आपने तकसीम किया ना, कोई भी एक हिस्सा पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला हिस्सा पकड़ लिया, इस वाले हिस्से को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो और इस वाली लाइन को भी ज्वाइन कर लो। तो छोटा सा जो हिस्सा था इसको आपने क्या किया, सेंटर से ज्वाइन कर लिया। अब जो ये जो एंगल बन रहा है ना थोड़ा सा, ये जो एंगल है ये कहलाता है 1 डिग्री। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है, सर्किल को आपने तकसीम करना है 360 हिस्सों में, और जो एक हिस्सा जिसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन करो और वो जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री। ये डेफिनेशन समझ आइए, स्पेसिफिकली जो न्यू बच्चे आए हैं उनको समझ आइए मेरी बात। यस सर। मैं न्यू स्टूडेंट, तुम्हें तो आगे होगी, तो न्यू स्टूडेंट जो है वो हाँ ना कर दो चैट में या मुंह से, जिस तरह भी बोलना है। जैसे स्टूडेंट का आगे ठीक है, कुछ सवाल हो तो आप लोग माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लेना। अब देखो यहाँ से आपने देखा कि 1 डिग्री जो है वो फिक्स नहीं है, 1 डिग्री डिपेंड कर रहा सर्किल के ऊपर। अगर सर्किल बड़ा होगा तो उसका एक हिस्सा वो भी बड़ा ही होगा ना। कंसिडर करना छोटा सा सर्किल है ये वाला, अब इस सोचो इसकी बाउंड्री को जब 360 हिस्से में तकसीम करोगे तो कितने छोटे छोटे चुनने चुनने से हिस्से होंगे। कंसिडर कर लो इतना छोटा सा हिस्सा होगा इसका। तो जब इस छोटे हिस्से को आप ज्वाइन करोगे इससे, तो आपको देखो यहाँ पे 1 डिग्री कितना छोटा सा है। इसका मतलब जो डिग्री है ना वो डिपेंड करता है सर्किल के ऊपर। सर्किल का रेडियस अगर बड़ा है तो उसका डिग्री भी बड़ा होगा, और सर्किल छोटा है तो उसका डिग्री भी छोटा होगा। ये चीज मसला करती है, दैट्स व्हाई हम डिग्री को प्रेफर नहीं करते, रेडियन को प्रेफर करते हैं। रेडियन में ऐसा मसला नहीं होता, वो आप लोग जब रेडियन में बताऊंगा तब समझ आ जाएगी। डिग्री का छोटा सा मसला है कि डिपेंड कर रहा होता है सर्कल के साइज के ऊपर। 12 डिग्री की डेफिनेशन बता दी, बेसिक थोड़ा नॉलेज दे दी, आप जरा कन्वर्जन पे आ जाओ, जो आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ी होंगी मैट्रिक के अंदर। कन्वर्जन क्या थी कि एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है, कंप्लीट रोटेशन इसको हम कहते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से स्टार्ट किया, करते 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 यहाँ पे आ गए, तो ये आपने पूरी एक रोटेशन ली है। तो एक रोटेशन के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं जल्दी से बताओ। 360 डिग्रीज होते हैं फुल रोटेशन में। 1 फुल कंप्लीट रोटेशन जो होती है उसमें 360, हाफ रोटेशन में कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। और जो यहाँ पे राइट एंगल बनता है, राइट एंगल क्या होता है, जब आपकी दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल बनता है ना उस एंगल को आप क्या बोलते हो, यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस एंगल को आप क्या बोलते हो, राइट एंगल। तो डिग्री के अंदर कितना होता है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल डिग्री सिस्टम के अंदर कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर आप देखो, हाँ सही है, ये कन्वर्जन बेसिक से आपको बतानी चाहिए। अब डिग्री के अंदर भी और भी यूनिट होते हैं, मिनट सेकंड भी होते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लेवल में मुझे नजर आए नहीं है बुक के अंदर। फिलफर्ज अगर कोई सवाल आया जिसमें मिनट सेकंड का भी जिक्र हुआ हुआ है तो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी तक ये बेसिक आपको बात बतानी चाहिए, ठीक है। आप आ जाओ रेडियन के ऊपर। रेडियन की डेफिनेशन बच्चों बड़ी इजी होती है। रेडियन एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और वो डिपेंड नहीं करता सर्किल के साइज के ऊपर। छोटा सर्किल बनाओ, बड़ा सर्किल बनाओ, 1 रेडियन सेम ही होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा किसी सर्किल के ऊपर। अच्छा, 1 रेडियन क्या होता है, देखो बच्चों 1 रेडियन ये होता है कि आपके पास एक सर्किल है उसका एक रेडियस है। कंसीडर कर लो इस रेडियस को, मैं आर कह रहा हूँ, इस रेडियस की लेंथ कंसीडर कर लो 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, कुछ भी लेट कर नहीं कर रहा, 5 है कंसीडर कर लो। जितनी इसकी लेंथ है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी 5 है, तो आप इसको तो इस तरह इमेजिन करो कि कंसीडर करो आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आप 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। जितना आपने ट्रेवल किया है ना इधर, सेम डिस्टेंस आप ट्रेवल करो यहाँ पे खड़े हो और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करो, कंसीडर कर लो 5 यहाँ तक आए। अगर आपने यहाँ तक 5 ट्रेवल किया था तो आप यहाँ पे खड़े हो और सेम 5 जो है वो आप यहाँ तक कवर करो। तो कहने का मतलब जितना रेडियस है उतना ही आप इसकी बाउंड्री पे चलो। चल लिया, कंसीडर कर लो यहाँ पे आप रुक गए, 5 आपका पूरा हो गया। आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो सेंटर से। ये जो पूरा एंगल बन रहा है, इस एंगल को आप बोलते हो 1 रेडियन। मैं इसको जरा डेफिनेशन के तौर पे बताता हूँ, उससे पहले एक और चीज समझ जाओ, ये चीज होती है, इसको आप बोलते हो आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ के बारे में किसी को पता है क्या होती है, या सिंपल आर्क,
एंगल को ही बोलते हैं। एंगल नहीं होता, जो सर्कल की आपकी बाउंड्री है ना उसका कोई भी हिस्सा आप कंसिडर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्कल की बाउंड्री का ये वाला हिस्सा कंसिडर करना, इसको आप बोलोगे आर्क। आर्क इस तरह बेंड होती है, इसको हम आर्क कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर बाउंड ये वाला जस्ट ये वाला डिस्कस कर लो, ये भी आर्क होगी। या जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा तो माशाल्लाह सबने खाया होगा, दिल भी जा रहा होगा अभी खाने का। किसने ऐसा स्टूडेंट जिसने पिज्जा यहाँ पे ना खाया हो? सब नहीं खाया माशाल्लाह, अल्लाह और आप लोगों को पिज्जा खाने की तौफीक अता फरमाए। पिज्जा का एक स्लाइस जो है जिसकी आप लोग कोशिश कर रहे होते कि जितना बड़े से बड़ा मिले, वो स्लाइस इस टाइप का होता है। तो ये जो पूरी होती है ना, इसको आप आर्क कहते हो। अब जितनी बड़ी आर्क होगी उतना पिज्जा का बड़ा स्लाइस होगा, उतना मजा आएगा खाने का। खैर, तो ये जो आर्क है ना, ये आर्क होती है। तो ये आपको आर्क नजर आ रही है। आर्क लेंथ का मतलब इस पूरी आर्क की लेंथ, ठीक है। तो अगर आपका जो रेडियस है ये बराबर हो जाए आर्क लेंथ के, क्या मतलब इसका कि जितना रेडियस था उतनी ही लेंथ की आपने आर्क बनाई है यहाँ पे। जो मैंने शुरू में बताया था कि जितना रेडियस है उतनी ही यहाँ पे आप आर्क लगाओ। तो अगर रेडियस बराबर हो जाए आर्क लेंथ के, तो फिर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उस एंगल को आप क्या कहते हो? वन रेडियस। तो इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, देन जो आपका एंगल बनेगा सेंटर पे उस एंगल को आप बोलोगे वन रेडियस। आप ऑब्जर्व करो, ये वन रेडियन इतना ही रहेगा। जितनी ये दो लाइंस आपस में खुली हुई है ना, ये इतनी खुली रहेंगी, चाहे आप सर्कल को बड़ा कर दो छोटा कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल को ना छोटा कर देता हूँ, यहीं पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। कंसीडर कर लो छोटा सर्कल लेते हैं, ये उसका सेंटर है। कंसीडर कर लो ये रेडियस है, इतनी ही आप आर्क लेंथ बनाओ, कंसीडर कर लो यहाँ पे आएगी, ये वन रेडियन है। अगर मैं सेम ही सेंटर रखता हूँ और एक मैं बड़ा सर्कल बनाता हूँ यहाँ, कंसीडर कर लो रेडियस है, मैं ये लेता हूँ तो ये बड़ा सर्कल बना देते हैं, कंसीडर कर लो। अभी भी अगर आप देखो, अगर ये इसका रेडियस है ना, इतनी ही रेडियस की आप आर्क लेंथ बनाओ, तकरीबन यहाँ पे आएगी जो आर्क लेंथ। जितना रेडियस है सर्किल में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जितना रेडियस है उतनी आप आर्क लेंथ बनाओ, उसको ज्वाइन करो, सेम ही आपके पास वन रेडियन आ रहा होगा। इसको अपने पास कर लेना, मेरे पास डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बन रही। कहने का मतलब जो मैं समय बताना चाह रहा हूँ कि जो वन रेडियन है वो डिपेंड नहीं करता सर्किल के ऊपर। कोई भी सर्कल छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, वन रेडियन इसी तरह खुलेगा। That's it. आप अगर इसको सर्किल को बड़ा करोगे तो लाइन को एक्सटेंड कर दो, दैट्स इट। वन रेडियन उतना ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। बेशक आपका अगर सर्किल बड़ा है तो इस टाइप का बन जाएगा, लेकिन वन रेडियन इतना ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। जैसे डिग्री के केस में आपने देखा था ना, छोटा हो गया था सर्किल, छोटा है सर्किल, बड़ा है तो वन डिग्री जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन रेडियन के अंदर ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई रेडियन काफी अच्छा सिस्टम है। और रेडियन जो है वो हमारा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है। अगर आपने यहाँ पे देखा, मैंने कोई अलग बात नहीं बताई यहाँ पे आपको कि 360 में डिवाइड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर जो मैंने यूनिट यहाँ पे यूज किया वो वही है जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो रेडियन जो है वो डेसिमल सिस्टम में होता है और डिग्री जो है वो बेस 60 सिस्टम में होता है। दैट्स व्हाई आप रेडियन को प्रेफर भी कर रहे होते हैं। अब जब रेडियन के बारे में कन्वर्जन देख लेते हैं कि जो वन कंप्लीट रोटेशन होती है ना, इसके अंदर कितने रेडियंस होते हैं बच्चों? 2 पाई। एक्सलेंट भाई, 2 पाई रेडियंस। हाफ रोटेशन के अंदर होंगे पाई रेडियंस, और 90 डिग्री जो राइट एंगल होता है उसके अंदर कितने रेडियंस होते हैं? पाई बाय 2। ठीक है, और भी यार बहुत बातें हैं कि एक पूरी रोटेशन में 2 पाई रेडियन कैसे आए, मजीद काफी चीजें हैं समझने के लिए, लेकिन अब इतनी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता। लेकिन बेसिक बातें रेडियन डिग्री के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कन्वर्जन देख लो। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास सवाल है कि देखो 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियंस के, जितने 360 डिग्री एंगल होता है उतना 2 पाई रेडियंस होता है। अगर आप दोनों यूनिट देखो, जैसे 5 सेंटीमीटर 5 मीटर जो है वो बराबर होता है 500 सेंटीमीटर के, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। इसी तरह लिखा हुआ है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो 1 डिग्री कैसे निकालोगे? आप दोनों तरफ 360 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपॉन 360, क्या होगा? 180। तो 8 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। अगर आप मालूम करना चाहो तो कर सकते हो, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 3.14 को आप डिवाइड करो 180 से, आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा होगा 0.0017। कंफर्म कर लेना कैलकुलेटर से। तो 1 डिग्री के अंदर 0.0017 रेडियन होते हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, डिग्री काफी छोटा यूनिट है, रेडियन बड़ा है ना। आपको दिखने में लग रहा था रेडियन काफी बड़ा एंगल है और डिग्री कितना छोटा एंगल है, और ये आपको यहां से भी नजर आ रहा है कि 1 डिग्री के अंदर कितने छोटे से रेडियंस होते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो इस तरह लिखोगे,
और बिलफर्ज अगर आप एक रेडियन के अंदर डिग्री निकालना चाह रहे हो तो उसका सिस्टम क्या है, आप दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर लो, 360 को 2 से डिवाइड करो हो जाएगा 180 अपॉन पाई और यहां पे आ जाएगा 1। तो 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, 180 अपॉन पाई। इसको जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आंसर आपको मिलेगा 57.3 समथिंग। तो एक रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज होते हैं और एक डिग्री के अंदर 0.0017 अप्रोक्सीमेटली रेडियन होते हैं। ये वही कन्वर्जन है जो आप लोगों ने पढ़ी है मैट्रिक, आई एम श्योर पढ़ी हुई होगी, बस वो मैंने हल्की फुल्की रिवाइज करवा दी। यहाँ पे कोई सवाल है यहां तक किसी बच्चे का तो पूछ लो, जो दो न्यू स्टूडेंट आए उनको समझ आई मेरी बात? ये जो डिग्री रेडियन की, ये रेडियन वाला जो बताया इसकी बात कर रही हो? नहीं अभी जो लास्ट आपने बताया ये डिग्री का, ये वाला पार्ट वाला सही है, तो आप ये वाला पार्ट कह रही हो ना समझ। तो देखो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ बताता हूँ मैं आपको। अच्छा आपको ये कन्वर्जन और ये कन्वर्जन दोनों समझ आ गई है, दोनों में मसला है? नहीं बस ये रेडियन वाली नहीं आई। अच्छा सही है, तो आपके पास 360 डिग्री है जो कि बराबर होते हैं 2 पाई रेडियन के। देखो आपने दो तरीके से करना ना, या तो आप बोलोगे 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन है अगर आप ये मालूम करना चाहो, तो अगर आपने 360 को 1 बनाना है क्योंकि 1 डिग्री का आप करना चाह रहे हो ना बिल्कुल, तो आप इसको 360 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे बना लेगा। अगर आप 1 रेडियन मालूम करना चाह रहे हो मतलब रेडियन को आपने 1 बनाना है, तो इसको 1 आप कैसे बनाओगे, आप डिवाइड कर दो इसको 2 पाई से तभी 1 बनेगा ना ये। तो इक्वेशन को दोनों तरफ से आपने 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये जो रेडियन था ये कैंसिल होकर क्या बचा, 1 रेडियन। यहां से आपको पता चल गया 1 रेडियन किसके बराबर होते हैं, 360 अपॉन 2 क्या होते हैं, 180 के बराबर। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई, तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री से। सही बात है, अभी भी कंफ्यूज हो? जी सर आ गई, थैंक यू। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी आपने किया था, अगर डिग्री चाहिए आपको इसको 1 बनाना है तो आप 360 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। यहाँ से आप लोगों को मैट्रिक में भी शायद बात बताई गई हो कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ये मैं लिख देता हूँ कहीं पे, अभी शायद जरूरत पड़ जाए आप लोगों को कहीं। अगर आपने डिग्री टू रेडियन में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई पाई बाय 180। इसका मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को भी, और अगर आपको रेडियन टू डिग्री जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि बिलफर्ज अगर आपके पास यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री और मैं आपको बोलूँ कि यार इस 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन के अंदर, तो रेडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से। किस तरह होगा, 31 जा 30, 36 जा 180, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पाई बाय 6 हो जाएगा। तो 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, पाई बाय 6 रेडियन के बराबर है, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के बराबर है। और इसी तरीके से अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है, बिलफर्ज अगर आपके पास लिखा हुआ हो कि पाई बाय 6 रेडियन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से। मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन 6 क्या होगा, 30, तो पाई बाय 6 रेडियन 30 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये आप लोगों ने आई एम श्योर बात पढ़ी होगी, लेकिन दोबारा इसको देख लो याद काम आएगी आपके। इसी तरीके से एक और बात है कि डिग्री के लिए आप ये सिंबल यूज करते हो छोटा सा ओ जो आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, और रेडियन के लिए आप कुछ नहीं यूज करते। अगर आपके पास खाली लिखा हुआ ना पाई बाय 6 और उसके साथ डिग्री का सिंबल नहीं लिखा हुआ, तो आप एज्यूम यही करते हो रेडियन के अंदर, रेडियन का कोई सिंबल नहीं है। खाली अगर पाई बाय 6 लिखा हुआ, एंगल पाई बाय 6 है, तो उसका मतलब वो रेडियन के अंदर है। हाँ अगर पाई बाय 6 के ऊपर, अच्छा ये भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आमतौर पर बच्चों ने याद रखा होता है कि अगर पाई आ रहा है तो वो रेडियन के अंदर है और अगर पाई नहीं आ रहा तो वो डिग्री के अंदर है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इस तरह आपने याद नहीं रखना। अगर आपको दिया जाए कि थीटा जो है वो पाई बाय 6 और उसके ऊपर एक सिंबल लगाया जाए, इसका मतलब पाई बाय 6 डिग्री। पाई बाय 6 डिग्री का मतलब क्या है, 3.14 डिवाइडेड बाय 6, 0.5 समथिंग आएगा, तो 0.5 डिग्री लिखा है। और अगर ये सिंबल ना लगाया जाए, बेशक इसके आगे रेडियन भी ना लिखा जाए, ऐसी चीज लिखी हुई है, तो अब ये रेडियन में माना जाएगा। अगर सिंबल लगा दिया जाए डिग्री और सिंबल ना लगाया जाए, तो आप इसको जस्ट क्या बोलोगे, रेडियन में। ये वो बातें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ बंदा सीखता है। मैं आप लोग अभी से बता रहा हूँ कि देखो तो कंफ्यूज नहीं करना इन चीजों को,
फालतू निशानी नहीं रखना कि पाई आएगा तो उसका मतलब रेडियन है, नहीं आएगा तो डिग्री, ऐसा नहीं। अच्छा मेरा सवाल ये कि अगर आप लोग से बोले कि साइन फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस क्या है, तो किसी को जवाब पता है साइन क्या है कॉस क्या है, बता सकते हो? हाँ पर ये रेशियो है ट्राइंगल की दो साइड्स का, एक्सीलेंट भाई, ये जो राइट आप एंगल लोग ट्राइंगल। पढ़ने, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जो आप पढ़ने लगे ना इसको आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, आपको पता है फंक्शन क्या होता है, आप इनपुट करते हो आपको आउटपुट मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जो आप पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपने पढ़ने, एक है साइन फंक्शन जिसको आप इस तरह लिखते हो साइन, एक होता है कोसाइन और एक होता है टेंजेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको आप SIN लिखते हो, इसको आप COS लिखते हो, इसको आप TAN लिखते हो, और यहाँ पे आप थीटा लगाते हो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये कैसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है कि आप इसके इनपुट में कोई एंगल पुट करते हो, ये आपको रिजल्ट में रेशो देता है ट्राइंगल के साइड से, राइट ट्राइंगल के साइड से। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं जरा इसको नाम दे देता हूँ कुछ, ए बी सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी सी हो जाएगी, तो ये जो ट्राइंगल के साइड के रेशो है, अब ट्राइंगल के साइड के रेशो जरा हम निकालते हैं। रेशो का मतलब होता है ट्राइंगल की कोई भी दो साइड की लेंथ को डिवाइड करना। सबसे पहले ए और सी को डिवाइड कर देते हैं, एक रेशो ये बन जाएगा, फिर ए और बी को कर देते हैं, एक रेशो ये हो जाएगा, फिर हम सी और बी को कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सी अपॉन ए कर दो, इसको बी अपॉन ए कर दो, इसको बी अपॉन सी कर दो। कहने का मतलब तकरीबन 6 तरीके से आप साइड्स के आपस में रेशियो निकाल सकते हो, तो दैट्स व्हाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मिलेंगे। ये वजह है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि 6 तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हो। अब आपने साइन कॉस टेंजेंट को क्या डिफाइन किया है आपने, अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कि आप कंसिडर कर लो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अगर आप लोगों से बोले कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही, या परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीजें आपने पढ़ी होंगी। हाइपोटेन्यूज तो बड़ा इजी है, जो राइट ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हो, तो ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, ये बात आमतौर पर बच्चों को नहीं पता, वो समझते हैं कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। हर दफा ऐसा नहीं होगा, अगर इसमें थीटा को यहां पे बना दूंगा ना, ये चीज उल्टी हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर बेस कैसे याद रखोगे, थीटा के सामने वाली साइड जो है ये होगी आपकी परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड जो है ये होगी बेस। ठीक है, क्यों, अगर आपने थीटा यहां पे बना दिया, कंसीडर कर लो थीटा आप यहां पे बना रहे हो, तो अब थीटा के साथ अब ये जो है ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो ये बेसिक बात है आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमेशा आप इसको नहीं कहते, थीटा के हिसाब से आप डिफाइन करते हो। नॉर्मली थीटा आप यहां पे लेते हो, कोई भी एंगल जो आपको नजर आ रहा है, तो नॉर्मली आप इसको परपेंडिकुलर कहते हो, लेकिन असल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, असल कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये जो रेशियो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, मतलब ए अपॉन बी, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस रेशियो को आपने डिफाइन किया है कि ये रेशियो जो है ये साइन थीटा है। मतलब साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप थीटा पुट करोगे और ये आपको राइट ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो देगा। कंसिडर कर लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे एंगल है, कंसीडर कर लो 39 डिग्री। तो जब आप साइन फंक्शन में, कैलकुलेटर में भी आपको साइन का बटन मिलेगा, जब आप इसके अंदर 39 डिग्री पुट करोगे, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आंसर बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। जो भी राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर ये 39 डिग्री आपने लिया है ना, उस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो आपको ये साइन फंक्शन दे रहा होगा। तो साइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप थीटा पुट करोगे और ये आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आपस में क्या देगा, रेशो देगा। इसी तरीके से जो कॉस होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब सी अपॉन बी। तो जो सी अपॉन बी है ये क्या है, ये आपको देगा, इसको आप बोलते हो कॉस फंक्शन, ये आपको बेस और हाइपोटेन्यूज का आपस में रेशो देता है जब आप इसमें एंगल पुट करोगे। और तीसरा रेशो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको आप बोलोगे ए अपॉन सी। तो ये जो है ये क्या होता है, इसको आप बोलते हो टेंजेंट थीटा। तो ये हमने डिफाइन किया है राइट ट्राइंगल के जरिए से, राइट ट्राइंगल की जो साइड के रेशो हैं इसके जरिए से आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने लिखे हुए, मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
अच्छा यहां से अगर आप टेंजेंट थीटा देखो ना, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कॉस के बराबर भी होता है। कंसीडर कर लो आप साइन और कॉस को डिवाइड करो, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज से हाइपोटन्यूज कैंसिल, रिजल्ट में क्या आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एग्जैक्टली ये चीज आ रही है। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो टेंजेंट थीटा का एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। और जो बाकी तीन रेशो आपको नजर आ रही है ये रेसिप्रोकल है, जैसे ये ए अपॉन बी है ना, तो बी अपॉन क्या है रेसिप्रोकल साइन का। तो जो रेसिप्रोकल हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप फ्रैक्शंस को उल्टा कर दो, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ के न्यूमरेटर बन गए। तो जो साइन का रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, उसको आप क्या बोलते हो, किसी को याद है? कोसेक। कोसेक उसकी शॉर्ट फॉर्म है, वैसे पूरा नाम क्या है कोसेकेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखते हो कोसेक थीटा। इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, इसको आप कहते हो सीकेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सेक। इसी तरह रेसिप्रोकल निकालो टेंजेंट का, सी अपॉन है, तो जो टेंजेंट है इसका रेसिप्रोकल कहलाता है कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कहते हो बच्चों कॉट थीटा। तो हम इसको उल्टा कर सकते हो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस तरह आप लोग देख सकते हो। अच्छा कोसेक की एक और शॉर्ट फॉर्म भी होती है, इस तरह भी लिखा जाता है सी एस सी, तो घबराना नहीं। मैंने एक दफा अपने एमसीक्यू टेस्ट में बच्चों को ये लिख के दे दिया था, वो समझे थे कि मैं कॉस लिखना चाह रहा हूँ, मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो ऐसा नहीं हुआ कुछ, ये कोसेक की ये वाली शॉर्ट फॉर्म भी होगी सी एस सी। जितने सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसमें आप सी एस सी लिखते हो, जो डेस्कटॉप मैंने ऐप बताई उसमें भी देखा सी एस सी लिखा होगा, जो ग्राफिंग ऐप मैंने, जो न्यू बच्चे उनको नहीं पता ये ऐप है, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मेरी ऐप नहीं है भाई, ये बड़ी अच्छी ऐप है, इसमें अगर आप कोई भी फंक्शन पुट करते हो ना ये उसका ग्राफ बना देते हैं, तो अगर आप लोग अभी डाउनलोड कर लेना उसमें साइन थीटा पुट करना, आपको साइन थीटा का पूरा ग्राफ दे देगा ये, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखो कॉसेक नहीं लिखा होगा सी एस सी लिखा होगा, तो ये वाली शॉर्ट फॉर्म भी होती है, दोनों आपको बतानी चाहिए। अच्छा हमने पढ़ा था ये कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनको हम पढ़ रहे थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए कहाँ से थे, वो राइट एंगल ट्राइंगल से आए थे। कैसे आए थे राइट ट्राइंगल से, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते क्या है कि बिलफर्ज अगर साइन है, आप इस साइन के अंदर पुट करना चाह रहे हो बिलफर्ज 30 डिग्री, तो ये साइन फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जब आप इसके अंदर कुछ एंगल पुट करोगे ना, तो ये आपको आंसर में ट्राइंगल की कोई भी दो साइड होंगी, साइन के केस में आपको पता है कौन सी दो साइड होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या करेगा उसका रेशो आपको दे देगा। अब ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, उस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो भी लेंथ होगी ये फंक्शन उसका रेशो दे देगा और वो आपको मिल जाएगा 1/3। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है करते क्या है, आप इसके अंदर इनपुट क्या करते हो, आप कोई भी एंगल पुट करते हो इनके अंदर, ठीक है, रिजल्ट वो एंगल क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल आपने देखा, और रिजल्ट में आपको क्या मिलता है ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का रेशो मिलता है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 किस्म के रेशो मिलेंगे आपके, डिपेंड करेगा आपने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया है। यहां तक तो बातें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दी थी। एक और बात मैं आप लोगों को बताने लगूं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हो सिमिलर ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्राइंगल देखो, अच्छा किसी स्टूडेंट को इतना पता है अभी बिल्कुल, अगर मैं सवाल पूछता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है ऑब्वियसली, कंसिडर कर लो यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो कोई स्टूडेंट बता सकता है यहाँ पे एंगल क्या होगा? 60। कैसे पता चला जल्दी बताओ सर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की मोमेंट 180 डिग्री होती है, तो 90 प्लस 30 और प्लस 60 ही होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, कोई भी ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। अब बिलफर्ज आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो उसका 90 होगा, दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया 30, तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120, टोटल कितना होना चाहिए 180, तो 180 को 120 से माइनस करो 60, इसका मतलब तीसरा एंगल जो है उसके लिए कितना एंगल बचेगा 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो कंसीडर कर लो एक ट्राइंगल मौजूद है, अब इसमें जब आप साइन 30 डिग्री मालूम करते हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को फिलहाल पता नहीं होगा साइन 30 डिग्री खैर लिखा हुआ है ना, वो तो 1/2 होता है, अगर आप कॉस 30 डिग्री मालूम करो तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये जो आपका ट्राइंगल है ना, इसमें अगर आप देखो तो ये चीज होती है परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, और कॉस के केस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
दोनों केसेस में हाइपोटेन्यूज आपने देखा टू आ रहा है, बेस जो है बेस ये होगी, बेस रूट थ्री है और परपेंडिकुलर क्या है वन है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो भी ये वाला ट्राइंगल होगा जिसमें 30 90 60 होगा उसका यही रेशो होगा वन टू रूट थ्री, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। उसकी वजह ये है कि देखो यही एंगल मैं रखूं और ट्राइंगल को अगर मैं बड़ा कर दूं, कंसिडर कर लो मेरा ट्राइंगल ये हो गया। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करो अभी भी आपका एंगल 90 डिग्री है, अभी भी ये एंगल 30 डिग्री है, अभी भी ये 60 डिग्री है, लेकिन अब अगर आप देखो इसके कंपैरिजन में तो कितना बड़ा हो गया, इसका मतलब इसकी साइड लेंथ जो है वो भी बड़ी हो जाएगी। तो ये जो रेशो होते हैं ना इसको रेशो को जरा समझो, रेशो जो है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जैसे 1/2 है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4/8, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ही चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो रेशो है ना ये डिपेंड कर रहा है 30 डिग्री के ऊपर, ये ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मे बी इस ट्राइंगल में पता क्या होगा, कंसिडर कर लो मैं बताता हूँ, आप इन सबको ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4/3। अभी भी इसमें आप साइन 30 डिग्री निकालो 4/8 अगेन 1/2 आ रहा होगा, कॉस 30 निकालो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन ये चीज आ रही होगी। तो यहां से आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि ट्राइंगल का साइज बड़ा हो या छोटा हो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, एंगल के ऊपर कर रहे हैं। जब तक एंगल सेम रहेगा रेशो सेम रहेगा, चाहे ट्राइंगल आपने ये रखना है ये रखो इससे भी बड़ा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर एंगल चेंज होगा तब रेशो आपका चेंज होगा, अगर एंगल सेम है तो रेशो आपका सही रहेगा चाहे ट्राइंगल आप जितना भी बढ़ा सकते हो। ये असल में कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये बात सबको समझ आई है? नहीं हाँ ना कंसीडर करो। बाकी स्टूडेंट नहीं बोलेंगे। अच्छा सर लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल आप लोगों को दिया था, किसी ने मालूम करने की कोशिश की है, याद है किसी को सवाल मैंने क्या दिया था? सर मालूम किया आपने? जी सर। बताओ जरा आंसर। सर वो उसकी मतलब रिपीट होती है वैल्यूज, जैसे साइन 89 की है 0.99 तो साइन 91 की भी रिपीट होगी 0.99। हाँ ये बात बिल्कुल सही बात बोली आपने, रिपीट होती है, लेकिन देखो सवाल मेरा पता क्या था, सवाल मेरा ये है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें एक एंगल 90 है, अब जो बाकी दो एंगल होंगे वो डेफिनेटली 90 से कम होंगे, तो असल सवाल है कि 91 पे साइन आ क्यों रहा है। असूलन तौर पे जो आप यहाँ पे थीटा पुट करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो राइट एंगल ट्राइंगल का पुट करते हो ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 91 तो नजर ही नहीं आ रहा आपको, तो साइन 91 की वैल्यू एग्जिस्ट कैसे करती है, इसकी सेंस क्या बन रही है? जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा जो है वो पुटी आप राइट एंगल ट्राइंगल से करते हो तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल में 91 तो है ही नहीं, इसका मतलब साइन 91 में पुट क्यों करो, 91 कहाँ से आ गया, ये असल सवाल था। इसका मैं आज आप लोगों को जवाब देता हूँ, वो पूरा जवाब बुक में भी मेंशन नहीं है लेकिन उन्होंने बस बेसिक यूनिट सर्कल बनाया है, असल जवाब यूनिट सर्कल से आता जो बुक में भी बना है, वही कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो है यूनिट सर्कल। किसी को याद है यूनिट सर्कल पढ़ा था या नहीं? नहीं पढ़ा था, हैरत की बात है भाई, ये मैट्रिक में तो होना चाहिए था, फर्स्ट ईयर में भी नहीं डाला, बनाया हुआ बुक में मेरे में, बस बताया मैंने इसके बारे में। यूनिट सर्कल नाम से बता रहा है, यूनिट सर्कल एक स्पेसिफिक किस्म का सर्कल होता है, ये ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर होता है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, और इसका रेडियस क्या होता है, 1 के बराबर। इसको यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, यूनिट मतलब 1 होता है, तो इसका रेडियस 1 के बराबर होता है, मतलब सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस 1, इसी तरह यहाँ पे भी 1, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँ -1 लिख रहा हूँ। -1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, आपको पता है इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, सही, तो ये -1 है। इसी तरह अगर आप नीचे करो तो ये -1 हो जाएगा, अगेन वाई ऊपर पॉजिटिव होता है वाई नीचे नेगेटिव होता है। रेडियस कहीं भी बना सकते हो, रेडियस तो आप दरमियान में भी बना सकते हो, लेकिन वैसे ही मैंने चार डायरेक्शन में आप लोगों को दिखा दिया कि यूनिट सर्कल है, सर्कल का मतलब रेडियस सेम ही रहता है उसके अंदर, यूनिट है मतलब 1 है, तो हर जगह आपको यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी लेंथ में 1 ही है लेकिन डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव लगाया था इधर, ये होता है यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल ने हमारा मसला हल कर दिया, अब यूनिट सर्किल में हमारा जो मसला है वो हल कैसे किया, सिंपल सी बात है, अगर आप यूनिट सर्किल में कंसीडर कर लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हो, ठीक है, आपने एक पॉइंट ले लिया, आपको पता है पॉइंट में आप क्या लिखते हो, x, y लिखते हो, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा ना, वो एंगल डेफिनेटली लेस देन 90 होगा। अच्छा ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, जब आप एंगल यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हो 0 डिग्री होता है, आप जब यहाँ तक आते हो ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर दोबारा घूम के यहाँ तक आओगे ये 180 डिग्री हो जाएगा, फिर दोबारा घूम के यहाँ तक आओगे 270 डिग्री हो जाएगा,
और फिर दोबारा घूम के जाओगे फुल रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। जहां जहां मसला हो आप लोग मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बहुत बेसिक बातें मैं अज्यूम कर रहा हूँ, पता ही होंगे, और अगर पूछोगे नहीं तो मैं दोबारा क्यों बताऊंगा। कहीं मसला हो कहीं इशू हो तो पूछ लेना मुझसे, ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। 90, 180, 270, 360 ये बेसिक नहीं पता होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाके मसला होगा तो सीख लो तो बेहतर है पहले से। तो बिलफ्रेंड्स कंसिडर कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास है थीटा आर, सही है। अब यूनिट सर्किल हमें फायदा क्या देता है, यूनिट सर्किल आपको 90 से बड़ा एंगल भी दे रहा है, जो कि राइट एंगल में आपको 90 से बड़ा नजर नहीं आ रहा था, यूनिट सर्किल में आपको 90 से बड़ा नजर आ रहा है। आप 180 भी जा सकते हो, आप 270 भी, आप 360, आप पूरा घूमते जाओ, आप कहीं भी घूमते जाओ। तो सवाल है कि किसी भी एंगल पे वैल्यू कैसे निकालोगे। कंसिडर कर लो मैं कोई यहाँ पे पिक कर रहा हूँ पॉइंट, इस पॉइंट को जब आप ओरिजिन से ड्रॉ करोगे ये बनेगा। अब जो आप एंगल बनाओगे, एंगल स्टार्ट होता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक आएगा। दिखने में मुझे लग रहा है कि ये एंगल जो है तकरीबन बड़ा ही होगा, 90 से बड़ा, तकरीबन ये अंदाजन 130-120 डिग्री होगा दिखने में लग रहा है आपको, ठीक है। यहाँ तक 90 होता है, 90 से बड़ा ही है। तो अब 130 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होता था, लेकिन यूनिट सर्किल में 130 डिग्री की सेंस बनेगी। मैं ये तो बता रहा था मसला हल कैसे करेंगे, राइट एंगल में सेंस नहीं बनेगी कि 91 या 100 डिग्री सेंस नहीं बना रही ना, वन राइट एंगल में कैसे होगी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री को एक्सटेंड कर दिया किसके जरिए से, यूनिट सर्किल के जरिए से। और सिर्फ यूनिट सर्किल नहीं, आप कोई भी सर्किल ले सकते हो जिसका रेडियस 2 हो, जिसका रेडियस 3 हो, आप ले सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, यूनिट सर्किल में कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए हमने यूनिट सर्किल ले लिया। अब आप घुमाते जाओ, आपका एंगल बढ़ता जाएगा, 270 पे आ जाएगा, 360 पे, घुमाते जाओ, और किसी भी एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना चाह रहे हो, यूनिट सर्किल आपको निकाल के दे देगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंट पिक किया, इसका जो थीटा होगा वो 120-130 डिग्री होगा। आप क्या करना है, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लिया। कैसे बनाओगे, इसको आप नीचे कर देना। तो अभी राइट ट्रायंगल क्या होगा, ये जो आपको नजर आ रही है ना एक्स और वाई वैल्यू, ये एक्स और वाई वैल्यू क्या होती है, ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है एक्स, और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है वाई। और कोई स्टूडेंट, अब ये बहुत गौर वाली बात है, देखते हो कौन पकड़ता है, कोई मुझे इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ बता सकता है कितनी होगी, ये जो हाइपोटेन्यूज है क्या लेंथ होगी, क्या लगता है आपको, क्यों सर, क्योंकि यूनिट भाई, क्योंकि यूनिट सर्किल है, ये रेडियस है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, 1 के बराबर। तो अब मेरे पास सिंपल ये वाला ट्रायंगल आ गया है जो मैंने वहां पे बनाया, मैं उसको जूम कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में देखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने इजी हो जाएंगे, कैसे, अगर आप यहाँ पे साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो थीटा आपका यहाँ पे बन रहा है ना, कंसीडर कर लो फिलहाल के लिए। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, वाई, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या, 1, तो वाई अपॉन 1 क्या होगा, सिंपल वाई के बराबर। इसी तरीके से कॉस निकालो, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे क्या है एक्स, और हाइपोटेन्यूज आपको अगेन पता है 1 के बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स। मतलब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतने आसान हो गए कि जो साइन थीटा है वो वाई के बराबर है और कॉस थीटा जो एक्स के बराबर है। क्या मतलब, ये जो एक्स वैल्यू है ये आपको कॉस की वैल्यू दे देगी, जो एक्स आपने निकाला है ना, जो एक्स वैल्यू होगी ये कॉस की वैल्यू होगी, और ये जो वाई वैल्यू होगी ये किसकी होगी, ये साइन की होगी। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एक यूनिट सर्किल लेना है, उस पर कोई भी एक पॉइंट पिक करना है, पिक कर लिया, उसको आपने ओरिजिन से ड्रॉ मतलब ज्वाइन कर देना, ठीक है। जो भी थीटा बन रहा होगा उसके आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, कैसे, जो उस पॉइंट की एक्स वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, कॉस की वैल्यू, और जो उस पॉइंट पे वाई वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वो साइन की होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में अब आपके लिए सारे मसले खत्म, आप कोई भी थीटा बनाओ, जो भी पॉइंट आपको मिल रहा होगा, पॉइंट की एक्स वैल्यू आपको कॉस की देगी, वाई की वैल्यू साइन देगी। वंस आपके पास कॉस और साइन आ जाए आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, टेंजेंट, कॉट, सेक, कोसेक, हर चीज आप निकाल सकते हो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल तक महदूद हुई हुई थी, इसको आपने एक्सटेंड किया बाय यूजिंग यूनिट सर्किल। अब आप कोई भी एंगल ले सकते हो यूनिट सर्किल में, अब यहाँ पे मैं कोई बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो आप थर्ड क्वाड्रेंट में ले लो, यहाँ पे आप पॉइंट पिक कर रहे हो, ठीक है, ये आपका पूरा थीटा बन गया। तो अब जो इस पॉइंट की एक्स वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, कॉस की वैल्यू, और जो इसकी वाई वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन की वैल्यू। तो अब मैं एक्स वाई नहीं लिख रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो पूरी एक्स वैल्यू होगी ये कॉस होगी, और जो पूरी वाई वैल्यू होगी ये साइन की होगी। अब आपको और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कोई और करना कुछ भी नहीं करना आपने, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल आप पुट कर सकते हो, बस आपको यूनिट सर्किल पे आप घूमते जाओ, एंगल आपका बड़ा होता जाएगा होता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आया सबको, कोई सवाल है इसमें आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप देखो ये जो कॉस और साइन के फॉर्मूले यूनिट सर्किल से आपको क्या मिलेंगे,
साइन थीटा बराबर होता है वाई के, कॉस थीटा बराबर होता है एक्स के, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा बच्चों होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन है वाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। इसी तरीके से कॉट क्या होता है, अब इनके रेसिप्रोकल है, मैं सामने लिख देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ठीक है, तो साइन अगर वाई है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक होगा वन अपॉन वाई, अगर कॉस एक्स के बराबर है तो सेक क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स। इसी तरीके से टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो एक्स अपॉन वाई। तो यूनिट सर्कल से आपके लिए इतनी आसानी होगी, जस्ट आपको साइन और कॉस चाहिए। साइन कॉस निकालने के बाद कोई हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे चक्कर नहीं है, एक पॉइंट पिक करो, जो भी थीटा बन रहा होगा उस थीटा पे आपको पॉइंट की एक्स वैल्यू कॉस दे देगी, वाई वैल्यू आपको साइन दे देगी, और यूं आपने ट्रिग्नोमेट्री को यूनिट सर्कल के जैसे एक्सपेंड कर दिया। कोई भी एंगल दुनिया का हो। अच्छा, ये एक और फायदा इसका है कि नेगेटिव एंगल पे भी बनता है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको नेगेटिव एंगल की सेंस नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल मैं राइट एंगल में लिख दूं माइनस 30 डिग्री, आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, माइनस का क्या मतलब है, लेकिन यूनिट सर्कल से इस बात की सेंस बन रही है। कैसे, माइनस कौन से एंगल होते हैं, जो क्लॉकवाइज होते हैं। तो बिलफर्ज माइनस 30 का मतलब क्या है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज आ जाओ, पहले एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे ना, अब आप क्लॉकवाइज आ जाओ, कंसीडर कर लो ये 30 है, तो आप क्या करो 30 पे जाके, माइनस 30 पे जाके ये पॉइंट पकड़ो, जो इस पॉइंट की एक्स वैल्यू होगी वो कॉस होगी, जो वाई वैल्यू होगी वो साइन होगी। तो यहां से नेगेटिव एंगल की भी सेंस बन गई बाय यूजिंग यूनिट सर्कल, वरना राइट एंगल ट्रायंगल में नेगेटिव की तो सेंस भी बनती थी, लेकिन यूनिट सर्कल ने यह मसला भी आपका सॉल्व कर दिया। वो कहता है कोई भी एंगल पकड़ो, जो पॉइंट है उस पे वो आपको एक्स कॉस दे रहा है, वाई साइन दे रहा है, मसला आपका सारा हल कर देगा। किसी का सवाल था, माइक्रोफोन ऑन हुआ था, है कोई सवाल तो पूछ लो। नहीं है, चलो स्क्रीनशॉट। हाइपोटेन्यूज क्या है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है हमारा वो हमेशा हम वाई लेंगे। नहीं, हाइपोटेन्यूज वाई नहीं है, हाइपोटेन्यूज मैंने कहाँ पे वाई ली है, वन ली है मैंने। नहीं, जैसे आप एक्स और वाई लगा रहे हैं तो फिर हमें क्या पता कि हमने कहाँ पुट करना है, वो एक्सेस के उस पे कर रहे हैं आप। सवाल समझ नहीं, आप ये कह रही हो कि एक्स और वाई मैंने कैसे लिया, ये कह रही हो, एक्स मैंने यहीं पे क्यों लिया, वाई मैंने, इसकी वजह होती है ना, ये आपने ग्राफ का चैप्टर से, एक्स एक्सिस पे आप ये जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है पूरा, ये एक्स होता है, और इस पॉइंट का ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस, ये पूरा वाई होता है। ये समझ मुझे असल में समझ आया नहीं आपका सही तरीके से, तो अगर कुछ बात रहेगी हो तो बाद में पूछ लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मुझे पूरा समझ नहीं आया सवाल। ये एक्स और वाई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो पहली चीज है कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट है 2,3, तो इस पॉइंट 2,3 का मतलब क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला पूरा ये क्या है 2 के बराबर है, और इस पॉइंट का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या है 3 के बराबर है, तो ये पूरा 3 है और ये पूरा डिस्टेंस 2 है, ये मतलब होता है एक्स और वाई वैल्यू का, होता है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्स और वाई किया था। ये बहुत बेसिक सी बात थी, चलो ये भी आपने सीख ली है, ठीक है। तो अब हमारे, पहले हम फॉर्मुले पढ़ते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मसले खत्म। अब यूनिट सर्कल आ गया, आपने ये फॉर्मुले याद रखने, साइन किसके बराबर है वाई, कॉस किसके बराबर है एक्स, और इस तरीके से आप याद रखोगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आप सीख लो, जो आप अभी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ोगे वो ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत ही मशहूर थ्योरम है जिसको आप कहते हो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, किसी को याद है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यस सर बता दो सर, फॉर्मूला याद है, हाँ वही फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला ही है कि वो यही बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जरा इस ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं, जो यूनिट सर्किल में आपका ट्राइंगल होता है ना उसके ऊपर जरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर थीटा आपका यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या है वाई स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस में कोई झगड़ा नहीं है, आप अगर बिलफर्ज अगर एक ट्राइंगल है उसमें आप परपेंडिकुलर बेस अलग ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, मैटर नहीं करता, आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले लो, फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, बाकी चीजों में पड़ेगा लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल हम करेक्ट देखते हैं, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे क्या है एक्स, तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
इसको आप कहते हो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कैसे? एक्स क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था एक्स किसके बराबर है, एक्स कॉस के बराबर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। प्लस वाई किसके बराबर है? अभी आपने पढ़ा था वाई साइन के बराबर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन के बराबर होते हैं। वो कैसे आया था वन के बराबर? बाई यूजिंग यूनिट सर्कल। मैं बता तो रहा हूँ आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है यूनिट सर्कल के ऊपर। अगर अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपने याद कैसे करनी है, वो यूनिट सर्कल से बताऊंगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे को यूनिट सर्कल के बारे में नहीं पता तो फिर उसने ट्रिग्नोमेट्री के रट्टे मारे और कुछ भी नहीं किया। तो ये वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है जो बाय यूजिंग यूनिट सर्किल आपके पास आएंगे, और भी आएंगे लेकिन ये बेसिक। अच्छा ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल, इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल। ये अभी फिलहाल याद रख लो, इसको बाद में काम आ जाएगी कहीं ना कहीं। असल इससे हमने ये चीज निकाली है जो आपके चैप्टर नंबर 10 में काफी काम आएगी। इसको आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप लोग इस पर पूछ लो, फिर मैं मजीद आगे जो मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बताएंगे ना उस पर आते हैं। सर जहाँ आपने -30 लिखा है वहाँ 300 लिख हाँ। सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। -300 कैसे आएगा? यहाँ भी लिखोगे माइनस, मतलब वो कहीं और जाएगा। अगर आपने -300 बनाना है तो अब देखो मैंने बताया था ना, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, अगर आप एंटी क्लॉक वाइज में जाओगे तो पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप यहाँ पे 90 हो गया, फिर 180, फिर 270, फिर 360। अगर आप क्लॉक वाइज जाओगे तो नेगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, अगर आप क्लॉक वाइज जाओगे नीचे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -90। जब आप इस तरह रोटेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आके आपका एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि क्लॉक पर जा रहे हैं -90। फिर आप और आगे जाओ, आप अगर यहाँ तक आते हो अब आपका एंगल क्या हो जाएगा? -180 डिग्री। फिर आप थोड़ा और आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एंगल हो जाएगा -270 डिग्री। फिर थोड़ा और आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -360 डिग्री। अब बिल्कुल अगर आप कहना चाह रही हो, आपने मुझे बोला था -300, तो -300 की यहाँ पे आएगा इस तरीके से आएगा 90, मतलब -90, -180, -270, -270 के बाद 30 डिग्री और जाना है यहाँ पे तक। ये वो एंगल है जिसको आप क्या बोलोगे? -300 डिग्री। और एक और बात बता दो, -300 वाली भी देख लो। एक जो ये जो आपके पास साइड बनती है ना, जिसको आप कोई पॉइंट होता है ना, जिसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो, पूरा थीटा आपका बन रहा होता है, इस पॉइंट को दो तरीके से आप बता सकते हो, या तो नेगेटिव एंगल से या पॉजिटिव एंगल से। जैसे इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूँ, या तो बोलूंगा -300 या इस तरह मैं बोलूंगा 60। तो एक ही एंगल है ये, अगर आप 60 डिग्री लिखो या -300 लिखो, एक ही एंगल है। दिखने में आपको फर्क लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। आप -300 बनाओ या 60 बनाओ, एक ही क्वाड्रेंट के अंदर है, एक ही एंगल है। इसको हम बोलेंगे इनकी सेम टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड का कॉन्सेप्ट कल बताया था कि एंगल जहां से बनना स्टार्ट होता है वो इनिशियल साइड है, जहां पे खत्म हो रहा है वो टर्मिनल साइड है। तो एंगल हमारा कहां से बनता है? यहां से बनता है, ठीक है। तो देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहां पे हुआ है? इस साइड के ऊपर। इसी तरह नीचे वाला भी स्टार्ट यहीं से हुआ है लेकिन खत्म कहां पे हुआ है? इसके ऊपर। तो इन दोनों की सेम टर्मिनल साइड है, लेकिन दिखने में एंगल फर्क है लेकिन टर्मिनल साइड इनकी सेम है। तभी इन एंगल्स को आप कहते हो को टर्मिनल। को का मतलब होता है सेम, सेम टर्मिनल साइड, जिसको आप उनको को टर्मिनल कहते हो। तो दोनों एंगल जो है को टर्मिनल है।